मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह है। होशियारपुर में कह रहे तो आप? मैं पारकुट कॉलोनी है, नियर फगवाड़ा जलंधर बाईपास जी। बेटी का क्या नाम है आपके? बेटा का नाम अरियांश कश्यप है। कितनी उम्र है उसकी? और 14 एंड हाफ ईयर है वो। ठीक है जी। ए, क्या बात हुई है घर में? बात कुछ भी नहीं, वो ट्यूसडे को दिन वो किट लेके यहाँ से एक मैच खेलने के बहाने वो गया यहाँ पे, और मैं स्कूल चला गया था क्योंकि मेरी वर्किंग होती है वहाँ पे स्कूल, और उसके बाद उसने किट उट पैक किया और खेलने के लिए चला गया। ये नहीं बताया कि कहाँ जा रहे, बस इसीलिए बड़ी रहे कि वो बताया होता तो शायद हम उतना बड़ी नहीं होते, क्योंकि वो ऐसे क्रिकेट खेलने के लिए जाया करता है। तो पहले एक दिन तो हमें लगा चलो आ जाएगा, शाम तक खेल के आ जाता था आसपास नियर अबाउट, लेकिन वो काफ़ी टाइम हो गया और हम बड़ी रहे उसके लिए। कितने तारीख को गया घर से वो? ये 10 को गया था। तो आज कितने दिन हो गए? आज 9 दिन हो गया उसको गए हुए घर से। कौन से स्कूल में पढ़ता है वो? ये जेम्स कैम्ब्रिज। कोई बात बात भी घर में कोई आपने डांटा हो या किसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं डांटने का, बाकी तो ऐसे कभी चलिए पढ़ाई वढ़ाई के लिए हो जाता है कि हाँ ये तेरा स्कोर ठीक नहीं है पढ़ लो, खेलना बाद में जी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ जी, क्योंकि वो हैप्पीली था, बाकी दोस्त भी उसके बता रहे थे कि ठीक है जी जी। कोई स्कूल में बात हुई हो किसी के साथ, फ्रेंड सर्कल में? नहीं नहीं, उसकी क्योंकि उसके दोस्त भी आते हैं यहाँ खेलने के लिए, तो वैसा कुछ भी नहीं है। क्रिकेट का मेन कोच भी है वो जी? क्रिकेट तो कहाँ कहाँ ढूंढा आपने उसको भी? और जितने भी इस अकेडमीज हैं यहाँ नियर अबाउट, बाकी जो जहाँ जाता था दिल्ली में मैं लेके जाता, पानीपत, इस सब जगह मैंने बात कर ली। वहाँ पे कोई भी अब इसलिए उन्हीं का उनका भी कॉल आता है कि सर अभी मिला कि नहीं अरियांश जी जी। जितना तो मेरा इन्फॉर्मेशन मतलब जितने नोन लोग हैं मैंने सबको कॉल कर लिया सर। पुलिस कंप्लेंट भी करी है आपने? जी जी। कौन सा थाना लगता है आपको? ये सिटी मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन में मैंने। क्या क्या बोल रहे हैं वो? बोल रहे हैं कि आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए उसके बारे में, बाकी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। ये कॉल डिटेल्स के लिए भी मैंने बोला था तो अभी तो कुछ दिन हो गए भी दिए नहीं, लेकिन देखता हूँ मैं आज जाके फाइनली मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको। FIR लॉन्च कर दी उन्होंने? जी जी FIR लॉन्च कर दी। क्या कहना चाहते हो आप अपने बेटे को अगर कहीं वो आपको देख रहा हो सुन रहा हो तो? देख बेटा तू कहीं पे हो डरना मत यार कि हाँ इतने दिन हो गए मुझे पापा डांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू आ जाएगा, सिर्फ नॉर्मल वही बिहेवियर रहेगा कि हाँ तेरे साथ पे आज से चलो कोई नहीं, गलती होती है, कोई सुनी है, तू अगर खेल भी रहा कोई दिक्कत नहीं, आ जा यहाँ पे आ जा यार प्लीज। यही बोलना थोड़ा नॉर्मली। क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार। आप श्रीराज की मम्मी हो? हाँ जी मैं मम्मी जी। क्या बात हुई थी घर में, कोई किसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ आप तो डांटा उसको? कुछ बात नहीं हुई थी, बस वो दादी को बोल स्कूल नहीं गया था उस दिन, दादी को बोल के गया कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, खाना वगैरह खा के घर से हैप्पीली गया, बोला वो भी बोल के गया था शाम को वापिस आ जाएंगे। उसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है? हाँ जी हाँ जी। क्या उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? उसमें दिखाई दे रहा है वो किट लेके जा रहा है। किट में सामान क्या क्या? किट में उसकी खेलने की सारी बैट वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स होती है सब किट। वो घर से कुछ लेकर होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई सर्टिफिकेट, कोई आधार कार्ड? कोई डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए। आधार कार्ड भी आपके पास? मेरे पास ही आधार कार्ड, ID प्रूफ सब कुछ। तो कुछ पैसे वैसे लेकर गया हो? कुछ पैसे वैसे थोड़ा बहुत होंगे उसके पास, कोई फोन नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं। कोई किसी तरह की कोई बात स्कूल में या घर में आस पड़ोस में? नहीं नहीं, आस पड़ोस से किसी से कोई बात ऐसी नहीं थी। क्या मांग करते हो पुलिस प्रशासन से? हम यही मांग करते हैं बस हमारे बच्चे को ढूंढ के ला दे जहाँ भी कहीं हो। आप भी काम करते हो? हाँ जी मैं भी टीचर हूँ।